नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शहर में घटित खास खास खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माता के नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में वीआईपीज का माता मनसा देवी में माथा टेकने का दौर जारी है। इसी सिलसिले में चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे, माता के चरणों में माथा टेका और यज्ञ में आहुति डाली। अश्विन नवरात्रि के तीसरे दिन माता मनसा देवी शक्तिपीठ के दरबार में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित पहुंचे और माता के चरणों में हाजिरी लगाई। माता मनसा देवी दरबार में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने माथा टेका और पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ कर देश के लोगों की खुशहाली की कामना की। अश्विनी नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना की जाती है। दिसंबर माह में नगर निगम चुनाव चंडीगढ़ में होने वाले हैं, इसको लेकर कोई भी पार्टी ढील बरतती हुई नजर नहीं आ रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। दिसंबर माह में नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव से पहले ही सभी पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने विपक्षी पार्टियों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में जो नहीं हुआ था वह सब भाजपा ने कर दिखाया। आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई आधार चंडीगढ़ में नहीं है। भले ही इस पार्टी को वर्ष 2014 में एक अच्छा मैंडेट मिला था, लेकिन आज इस पार्टी के हालात ऐसे हैं जिस पर विचार करना पार्टी को अवश्य चाहिए। कांग्रेस से ही पार्टी में लोगों का आना जाना जारी है। यह पार्टी के पास ना तो उम्मीदवार है और ना ही इच्छा शक्ति वाले लोग, इससे यह पार्टी एन मौके पर भागती हुई नजर आएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस आज परिवारवाद से घिरी हुई है, कांग्रेस परिवारवाद ज़्यादा हो चुका है। भाजपा का मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस से था, लेकिन कांग्रेस भी आज बिना संगठन के है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। दरअसल भाजपा कार्यालय कमलम में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। इस पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने वाले हैं और यह महर्षि वाल्मीकि जयंती पूरे सप्ताह एक सप्ताह तक मनाई जाएगी, जिसमें 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 वर्षों के कार्यकाल को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित कमलम यानी कि भाजपा के कार्यालय में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री के दौरान और प्रधानमंत्री रहते हुए जो जो कार्य किए हैं उन्हें चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है और कोई भी व्यक्ति जा करके सेक्टर 33 कमलम में यह प्रदर्शनी देख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी के जीवन की कार्यशैली, कार्यप्रणाली और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रदेश कार्यालय कमलम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व क्षेत्रीय प्रभारी सुदान सिंह द्वारा किया गया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, प्रदेश संगठन महामंत्री दिनेश कुमार भी थे। यह जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन ने बताया कि सेवा और समर्पण अभियान के तहत लगाई गई इस प्रदर्शनी में नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा और कार्यशैली को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके साथ ही मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उससे पहले गुजरात सरकार की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से भाजपा द्वारा 20 दिवसीय देशव्यापी सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया है। नरेंद्र मोदी ने 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 7 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्यकाल किया है और 20 वर्ष पूरे किए हैं। इन 20 वर्षों के कार्यकाल में मोदी की नीतियों और कार्यशैली के सारे देशवासी प्रभावित हुए हैं। इस प्रदर्शनी में मोदी जी के व्यक्तित्व और कार्यप्रणाली तथा उनकी योजनाओं का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। चंडीगढ़ में विकास कार्यों का सिलसिला शुरू है और इसी को आगे बढ़ाते हुए बहलाना में कई विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन चंडीगढ़ का प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया है। उनके साथ मेयर रविकांत शर्मा भी मौजूद थे और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर निगम में शामिल सभी 13 गांवों में
करोड़ों रुपए के विकास कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों की शुरुआत बहलाना से हुई है। गांव के विकास कार्यों का शिलान्यास प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित और मेयर रविकांत शर्मा ने बहलाना से किया। इस दौरान सांसद किरण खेर लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ी रही। लंबे समय से गांव वाले इन कामों का इंतजार कर रहे थे। सभी 13 गांवों के विकास कार्य के लिए 102 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिनमें से 11 करोड़ का काम प्रशासन को करना था, जबकि शेष कार्यों के लिए 51 करोड़ रुपए नगर निगम को देने को कहा गया है। निगम के पास अब तक 50 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इनमें से जन स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल आपूर्ति, बरसाती पानी की निकासी की लाइन व सीवर लाइन के कार्यों की निविदा जारी कर दी है। वहीं 2 करोड़ रुपए से निगम में शामिल गांवों के भवनों की मुरम्मत के कार्य करवाने की स्वीकृति भी दी गई है। अब जल्द ही विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। इससे पहले मेयर रविकांत शर्मा ने 8 दिनों में सभी गांवों में जाकर कार्यों का शिलान्यास करने की योजना बनाई थी, जिनमें से एक दिन में 2 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। हालांकि बाद में इस योजना को टाल दिया गया और अब गांव बहलाना से ही सभी गांवों के विकास कार्यों का शिलान्यास ऐलान किया गया है। नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में भाजपा का पूरा फोकस गांव पर है, ताकि गांवों के मतदाताओं को लुभाया जा सके। शहर में पंचायती राज पूरी तरह से खत्म ना हो, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। सभी गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक ब्रिटिश महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ हुई। पुलिस ने संज्ञान लिया, रिपोर्ट दर्ज की और SSP कुलदीप चहल ने खुद मोर्चा संभाला। एक कमेटी गठित की गई। इसके बाद कमेटी ने CCTV फुटेज खंगाली, कुछ पता नहीं चला। सादी ड्रेस में घटनास्थल पर पहुंचे, निगरानी की गई और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में बीते बुधवार शहर की सड़कों पर निकली एक ब्रिटिश महिला अधिकारी से छेड़छाड़ की घटना के बाद पूरे चंडीगढ़ पुलिस विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद खुद चंडीगढ़ के SSP कुलदीप सिंह चहल ने मोर्चा संभाला और इस मामले में DSP चरणजीत सिंह की अगुवाई में एक स्पेशल टीम गठित कर दी। लेकिन पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज के अलावा कुछ नहीं था। उस फुटेज में भी ना तो बाइक का नंबर दिखाई दे रहा था और ना ही छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का चेहरा दिख रहा था। यूं मानो यह एक ब्लाइंड केस था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और सिविल ड्रेस में सेक्टर 10 के उसी जगह पर घटना पर पहुंची और उसके पास सादी वर्दी में पुलिस तैनात कर दी गई। सुबह के समय एक व्यक्ति बाइक पर जा रहा था और वह सैर कर रही महिलाओं को पीछे मुड़ मुड़ कर घूरता ही चला गया। काफ़ी दूर तक वह पीछे की तरफ देखता रहा। इसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ, लेकिन इतनी देर में वह शख्स वहां से जा चुका था। लेकिन सादे कपड़ों में तैनात पुलिस ने उसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया था। इसके बाद उसका एड्रेस निकालकर उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और यह वही व्यक्ति निकला जिसने ब्रिटिश महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपी की पहचान 21 साल के नए गांव निवासी विशान के रूप में हुई है। आरोपी रोजाना सुबह ड्यूटी जाने के लिए 6 बजे घर से निकलता था। आरोपी मनीमाजरा के रेस्टोरेंट में कुक का काम करता है। इसी दौरान सेक्टरों की अंदरूनी सड़कों पर सैर करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था। आरोपी के पास से पुलिस ने बाइक भी बरामद कर ली है। शहर भर में रामलीलाओं का मंचन लगातार जारी है। स्टेज सज चुके हैं, विभिन्न दृश्य दिखाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में चंडीगढ़ के सेक्टर 22 स्थित चंडीगढ़ रामलीला कमेटी नेहरू पार्क द्वारा सीता स्वयंवर और ताड़िकावध के दृश्य दिखाए गए। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद और नुक्कड़ ढाबा सेक्टर 22 के पंकज, और उन्होंने रामलीलाओं के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रामलीलाएं ऐसी हैं जो हमारी संस्कृति और संस्कार को सहेजे हुए हैं और हमें इन पर गर्व होना चाहिए। चंडीगढ़ रामलीला कमेटी नेहरू पार्क सेक्टर 22 स्थित मंचित हो रही रामलीला में सीता स्वयंवर ताड़िकावध का मंचन किया गया। यहाँ पर यह दृश्य देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंचन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद शामिल हुए, जबकि उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जसमन प्रीत सिंह, अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार सहित नुक्कड़ ढाबा के संचालक पंकज भी मौजूद रहे। इस अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है और अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही भारतवासी अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि रामलीलाएं हमारी संस्कृति संस्कार को सहेजे हुए हैं और हमें इन पर गर्व होना चाहिए।
इस अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से लीला के सुंदर दृश्यों के साथ साथ भजन भी प्रस्तुत किए गए। और ये अरुण सूद जी का शॉल के साथ सम्मान करते हुए हमारे राकेश कुमार जी और दीपक कुमार जी अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू धर्म के हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। और मैं अनुरोध करूंगा अरुण सूद जी से कि दो शब्द कहें हमारे मंच पर। 22 सेक्टर की रामलीला कमेटी का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज प्रभु श्री राम की इस लीला में हिस्सा बनने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी मुझे बता रहे थे कि ये रामलीला बहुत पुरानी है, पहले जो हमारा नेहरू पार्क है उसमें ये होती थी, लेकिन वो डेवलप हो गया तो ये कुछ वर्षों से ये रामलीला यहाँ हो गई। पंकज जी हमारे बीच में है लोकल ढाबे के, और मुझे अभी ये बता रहे थे कि पिछले 20 साल से ये रामलीला में प्रभु श्री राम की इन पर इतनी कृपा है कि जितने भी यहाँ हमारे कलाकार भाई हैं उन सब के लिए भोजन की सेवा ये करते रहे। मैं समझता हूँ एक बार सारे लोग जोरदार ताड़ियों से इनके लिए। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, शायद हजारों साल हो गए राम रावण के युद्ध को, और प्रभु श्री राम की जो शिक्षाएं हैं आज भी हम उनको फॉलो करते हैं, और जो उस वक्त की लीला हुई थी हम सदियों से उसको फिर से रिपीट करते आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक विशेष ध्यान है। एक भगवान के नाते भी और एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र, ये सब हमारे सामने उन्होंने एक हीरो के नाते अपने जीवन से प्रस्तुत किया है। और मैं एक बात आप सबको बधाई देना चाहूंगा, इस बार की रामलीला बहुत विशेष है, क्योंकि 450 साल के संघर्ष के बाद, 450 साल कोई छोटा समय नहीं होता, 4 लाख हिंदुओं की कुर्बानियों के बाद, सैकड़ों युद्धों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ये हर हिंदू के लिए सौभाग्य का विषय है। जय श्री राम। और शायद आने वाले अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष ये आपकी पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय है जो राम भक्त है, कि हमारे पुरखों ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, कुर्बानियां दी, और अगले आने वाले 1.5-2 वर्षों में अयोध्या में बहुत ही भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम लला के हम इन्हीं आंखों से दर्शन कर पाएंगे और इन्हीं हाथों से उनको प्रणाम कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि वह सपना साकार हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी बात कर रहा था, हमारे कलाकार साथी हैं, चाहे म्यूजिशियन हैं, चाहे और लोग हैं, बहुत ही मेहनत के साथ ये लोग इस रामलीला का मंचन करते हैं। मुझे याद है जब हम बचपन में जाते थे तो तब ये इस मौसम में नहीं, वहां तब बहुत सर्दी का मौसम होता था, हम कंबल लेके रामलीला देखने जाते थे, और तब अगर रामलीला 9 बजे शुरू होनी होती थी तो 6 बजे 7 बजे उसके बाद स्थान नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी भौतिक जिंदगी बदलती जा रही है, रामलीला का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, आज सोशल मीडिया टीवी के माध्यम से ये रामलीला का मंचन होता है। रामलीलाओं के साथ साथ दुर्गा पूजा की भी तैयारियां शहर में चल रही हैं। दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा माता की तस्वीरें, दुर्गा माता की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, और इन मूर्तियों में विशेष रूप से बाहर के राज्यों से मिट्टी लाई गई है, वही प्रयोग लाई जा रही है, और रंगों का भी इको फ्रेंडली रंगों का प्रयोग इन मूर्तियों को बनाने में किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रि शुरू होने के साथ ही चंडीगढ़ में दुर्गा पूजा की भी आयोजन हो रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर माँ दुर्गा की मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर जुटे हुए हैं ताकि दुर्गा पूजा से पहले तैयार मूर्तियों को भक्तों को सौंपा जा सके। माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने के लिए कारीगर जुटे हैं। इन कारीगरों से बातचीत की गई जिस तरह से इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है, यह कारीगर खासतौर से कोलकाता से आए हुए हैं।
इस बार मिट्टी से इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है और यह मिट्टी खासतौर पर बनारस कोलकाता के गंगा घाट से लाई गई है। इन कारीगरों का कहना है कि मूर्तियों को इस तरह बनाने की खास वजह यह है कि मूर्तियों के बीच में कोई फट ना जाए, इसलिए इस बार मूर्तियों को इस खास तरह की मिट्टी से बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मूर्तियों की डिमांड पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलावा लेह लद्दाख तक है। मूर्तिकारों की माने तो कोरोना के चलते असर हुआ था, लेकिन इस बार ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार भक्त इको फ्रेंडली मूर्तियों को लेकर ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। माँ दुर्गा को शेर की सवारी के अलावा राक्षस संहार को भी मूर्तिकार बखूबी दिखा रहे हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगरों ने बताया कि इस बार मूर्ति बनाने में चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही इको फ्रेंडली रंगों का भी इस्तेमाल हो रहा है और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। शहर में कालीबाड़ी मंदिर सेक्टर 47 के अलावा सेक्टर 31 में भी मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव के साथ ही आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, रामलीला, शिवलीला, सुविचार, कथा कहानियां और बहुत कुछ। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भाव और बेल आइकन दबानी है ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वह आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भाव और देखते रहिए सिटी हलचल, और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।